हेलो बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों, मैं रोहित गुप्ता आपका फिजिक्स मेंटर आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल में। यहां पर हम आने वाले 3 महीने में 11th क्लास की पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है बेटा काइनेमैटिक्स के ऊपर, जिसमें हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक्स के बारे में बातें करेंगे, एकदम फ्रेश हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला लेक्चर है, तो हम काइनेमैटिकल क्वांटिटीज को धीरे धीरे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम अकम्पलिश जो करने वाले हैं उसके अंदर हमें आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में बताऊंगा, और उसके ऊपर हम कुछ मजेदार क्वेश्चन करेंगे। बहुत मजा आने वाला है बेटा आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। तो मोशन जब भी होता है तो पार्टिकल के पास क्या आता है? पार्टिकल के पास डिस्टेंस ट्रेवल होता है और पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्टेंस ट्रेवल होता है और डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है बेटा। तो आपने सुना होगा इन दोनों टर्म्स के बारे में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, इसकी बात हम सबसे पहले यहां पर कर लेते हैं। तो बेटा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। तो हम कह रहे हैं कि मान लिया हमारे पास यहां पर एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन स्टार्ट करता है इस पॉइंट से और इस तरीके से एक कर्व्ड पाथ में घूमता हुआ अल्टीमेटली यहां पहुंचता है। तो ये है इसका इनिशियल पॉइंट और ये है इसका फाइनल पॉइंट। तो ये पर्सन एक कर्व्ड पाथ पे गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, पूरे पाथ की जो लेंथ है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। तो अगर आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है और ये पूरा क्या है? ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये पूरा क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और भी डिफरेंसेस होते हैं डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जिनके ऊपर क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। एक एक करके उन डिफरेंसेस की हम बात यहां पर कर लेते हैं। बेटा ये आपके सामने पूरा एक चार्ट आ गया है और इस चार्ट में आपको सारे पॉइंट्स लिखकर बताए गए हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, जैसा कि मैंने बात करी। जिस भी कर्व्ड पाथ पे जाओगे उस पूरे पाथ की जो लेंथ होगी वो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसे पूरे पाथ से मतलब ही नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा, उसे पूरे पाथ से मतलब नहीं होता है। उसे मतलब किससे होता है? कहां से शुरू किया, कहां पे खत्म किया, कहां से शुरू किया, कहां पे खत्म किया, उसके बीच का रास्ता कुछ भी लिया हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका घर है और आप घर से निकले मंदिर के लिए, आजकल के बच्चे बहुत रिलीजियस हैं, तो हम घर से निकले कहां पर? मंदिर के लिए। तो आपके घर से जो मंदिर का रास्ता होगा ना, वो रास्ता बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल। जो अगर आप अलग अलग रास्ता ले लोगे, कभी शॉर्टकट ले लोगे, तो कभी घूमते हुए लॉन्ग कट से जाओगे। घूमते हुए लॉन्ग कट से क्यों जाओगे वो आप देखो, ठीक है ना। लेकिन कभी घूमते हुए लॉन्ग कट से जाओगे, ठीक है, तो दोनों रास्ते में अलग अलग क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों बारी सेम, क्योंकि इनिशियल पॉइंट घर, फाइनल पॉइंट टेम्पल। इनिशियल पॉइंट घर और फाइनल पॉइंट मंदिर था। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम, रास्ता अलग हुआ, पाथ अलग हुआ, डिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होती है और डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होती है, लेकिन अगर हम बात करें डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो यहां पर क्वेश्चन बेटा ये उठता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट?
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बताओ क्या होती है उसकी डायरेक्शन। तो बेटा देखो, आप घर से चले मंदिर पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होगी, मंदिर से घर की तरफ या घर से मंदिर की तरफ, मंदिर से घर की तरफ या घर से मंदिर की तरफ। तो देखो बेटा, हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। जो डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की वो होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, मतलब घर से मंदिर की तरफ। आप घर पर थे कहां गए, मंदिर गए। आप घर पर थे कहां गए, मंदिर गए। तो घर से मंदिर की तरफ क्या हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट, मंदिर से घर की तरफ नहीं। जब वापस आओगे तो मंदिर से घर की तरफ होगी। इनिशियल से फाइनल की तरफ जो एरो बनेगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। आगे बात करते बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बड़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बड़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। अगर आप पिछली स्लाइड पर देखें आपको आइडिया लग जाएगा डिस्टेंस क्या है, पूरा पाथ लेंथ, जो कि ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट से क्या है, बड़ा है। इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट में ही वर्ड क्या आ रहा है, शॉर्टेस्ट वर्ड आ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है और डिस्टेंस बड़ा होता है। क्या ये बराबर हो सकते हैं बेटा किसी कंडीशन में, क्या ये बराबर हो सकते हैं बेटा? तो यस, एक कंडीशन ऐसी आती है जब डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी होते हैं। वो कंडीशन क्या होती है, जब पार्टिकल कह चले स्ट्रेट लाइन में चले बिना पलटे। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले बिना पलटे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होंगे बराबर, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होंगे बराबर। लेकिन अगर पार्टिकल पलटा, अगर पार्टिकल पलटा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे अलग अलग। अगर पार्टिकल पलटा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे अलग अलग। तो जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन डिस्टेंस पूछेगा तो ध्यान रखना है कि पार्टिकल पलटा के नहीं पलटा। अगर पार्टिकल पलटा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे अलग अलग, ठीक ना। तो उस चीज का ध्यान रखना होगा, तो पार्टिकल पलटना नहीं चाहिए तो दोनों बराबर होंगे। पलटा तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट छोटा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी समय के साथ घट नहीं सकता। डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी समय के साथ घट नहीं सकता। आप अगर बाइक लेकर, स्कूटी लेकर घर से निकलते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो ऑडोमीटर होता है ना, जो आपको डिस्टेंस ट्रेवल बताता है, जब भी घर से निकलकर वापस आते हैं तो उसमें डिस्टेंस आपको बढ़ा हुआ ही मिलता है, डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ा हुआ ही मिलता है, वो घटता नहीं है, वो क्या होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी समय के साथ घटेगा नहीं। हाँ, समय के साथ कॉन्स्टेंट हो सकता है, अगर पार्टिकल चल ही नहीं रहा, अपनी ही जगह पर बैठा हुआ है तो समय के साथ कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं, लेकिन घटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट भी सकता है। कोई अगर वापस आएगा, आप मंदिर गए डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, जब मंदिर से वापस आ रहे हो डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो जाएगा। अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बराबर कर दी, जहां से स्टार्ट किया वहां वापस पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सबका डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली होता है जीरो, सबका डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली होता है जीरो। भगवान के पास आए थे, भगवान के पास जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए सबका डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली होता है जीरो। खैर, ये तो अध्यात्म की बात हो गई, इसको साइड करते हैं। अध्यात्म अपार्ट, अगर बात करें यहां पर तो हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा अगर इनिशियल पॉइंट ही फाइनल पॉइंट के मैच कर जाए, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मैच कर जाए, जहां से स्टार्ट किया घूम के वहीं पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हमने शॉर्टेस्ट पाथ तो कहा था, शॉर्टेस्ट पाथ तो कहा था, इसको एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं, इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा,
तो ये लिखा आपके पास नोट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन पोजिशन, दैट इज फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। ये कैसे डिफाइन करेंगे बेटा इसको, डिस्प्लेसमेंट को फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पोजीशन डिफाइन करने के लिए आप कोऑर्डिनेट्स की मदद ले सकते हो या पोजीशन वेक्टर्स की मदद ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन डिस्टेंस ऐसे नहीं निकलेगा, डिस्टेंस ऐसे नहीं निकलेगा। एक क्वेश्चन हम यहां पर लगा के देखते हैं तो मेरा कहने का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो हम कहने के एक पार्टिकल है जो ट्रैवल कर रहा है, एक पार्टिकल जो है वो ट्रैवल कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो बेटा जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना होगा। एक सुंदर डायग्राम का मतलब है आधा क्वेश्चन हो गया, एक सुंदर डायग्राम का मतलब है आधा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे बेटा, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस स्टेप को भूलना नहीं है, डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है यहां से यहां तक, तो आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो आप एक एक्सिस बना लेंगे, आप एक एक्सिस बना लेंगे बेटा, ठीक है। अब जो ये एक्सिस यहां पर बन रही है इसमें आपको पॉइंट शो करने होंगे, तो बेटा हम पॉइंट शो करते हैं यहां पर। हमने कहा कि मान लेते हैं ये है एक्स बराबर जीरो, यह है आपका ओरिजिन, ठीक है। तो पार्टिकल कहां पर था पहले, पार्टिकल था माइनस 15.0 पर, पार्टिकल कहां पर था माइनस 15.0 पर, कहां गया वो पार्टिकल, पार्टिकल गया 17.0 पर, और उसके बाद कहां आया, उसके बाद कहां आया, उसके बाद आया माइनस 2.0 पर, उसके बाद आया माइनस 2.0 पर। कहां से स्टार्ट किया, माइनस 15 से, कहां गया 17 पे, कहां आया माइनस 2 पे। कह रहा है कितना डिस्टेंस चलेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दो बातें बता दो, कितना डिस्टेंस चलेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दो बातें बता दो। तो फटाफट पॉज करेंगे, फटाफट आंसर निकालेंगे और फिर आंसर को मैच करेंगे, ठीक है। फाउंडेशन डाल रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन फाउंडेशन डाल रहे, समझ में आना चाहिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। पॉज करके फटाफट आंसर निकालेंगे और आंसर को क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखो बेटा, देखो क्या आंसर आएगा हमारा, यहां पर ध्यान से देखना बेटा। तो देखो, हमने कहा कि पार्टिकल ने स्टार्ट किया था यहां से, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। फाइनल पॉइंट हमारे पास ये है और बीच में यहां पर पहुंचता तो ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, इसको मैं कुछ भी ए बोल देता हूं, ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, ठीक है। तो उसका पाथ कैसा होगा, पार्टिकल ने यहां से शुरू किया, यहां से यहां गया, पलटा और यहां से यहां पर आया, यहां से यहां आया। तो अगर आपको निकालना है डिस्टेंस तो आपको इस ब्लू लाइन का टोटल लेंथ निकालना होगा, और अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो आपको ब्लू लाइन की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, आपको इस इंटरमीडिएट पॉइंट ए से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इनिशियल फाइनल से मतलब है, आपको केवल इनिशियल फाइनल से मतलब है। तो पहले एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही निकाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, हमने कहा ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो बताओ बेटा फाइनल पोजीशन कितनी है, बताओ बेटा फाइनल पोजीशन कितनी है। तो आप बोलोगे सर फाइनल पोजीशन है माइनस दो, आप बोलोगे फाइनल पोजीशन है माइनस दो। इनिशियल पोजीशन कितनी है, तो इनिशियल पोजीशन आप बोलोगे माइनस 15, इनिशियल पोजीशन कितना माइनस 15। तो कुल कितना आया बेटा, 15 माइनस 2 13 मीटर आया, कितना आया बेटा 13 मीटर आया, 13 मीटर इज द आंसर, 13 मीटर इज द आंसर, समझ गए बेटा 13 मीटर इज द आंसर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल 13 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा। आप देखो बेटा 13 पॉजिटिव आया है यहां पे, 13 पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में, राइट में है, राइट में है। अगर आप देखो तो बेटा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, डिस्प्लेसमेंट राइट में है, इनिशियल से फाइनल की तरफ है, इनिशियल से फाइनल की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, राइट में है, इसलिए पॉजिटिव 13 आया है, इसलिए पॉजिटिव 13 आया। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल की तरफ, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, पूरा लेंथ निकालना पड़ेगा। तो बेटा ये कितना लेंथ है,
इसके टुकड़े करते हैं, काम करते हैं। ये माइनस पंद्रह से, ये माइनस पंद्रह से पहले कहां गया, माइनस पंद्रह से गया जीरो पे, मतलब ये कितना हुआ, ये हुआ पंद्रह। उसके बाद कहां गया ये सत्रह, उसके बाद वापस कितना आया सत्रह, उसके बाद कितना और आगे गया दो, पंद्रह सत्रह सत्रह दो, पंद्रह सत्रह सत्रह दो, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आया हमारे पास, डिस्टेंस आया हमारे पास पंद्रह सत्रह सत्रह दो, ठीक है। तो कितना हुआ, ये भी सत्रह सत्रह तीन इक्यावन हो गया, सत्रह तीन इक्यावन मीटर हो गया, ये भी पंद्रह और दो सत्रह, सत्रह 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 तीन सत्रह, कितना हुआ इक्यावन मीटर, ठीक है ना। तो 51 मीटर क्या आया, डिस्टेंस आया 13 मीटर, क्या आया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया, कितना आया डिस्प्लेसमेंट आया। तो बेटा ठोको ताली, चलो अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, और समझने की कोशिश करते हैं यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा कि एक कार है जो सर्कल में जा रही है, ठीक है। अब देखो मैं एक सर्कल की बात कर रहा हूं जो कि 2D मोशन है, लेकिन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस दिखाने के लिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं। आगे बातें हम 1D के लिए हम मैक्सिमम करते रहेंगे फिलहाल, उसके बाद हम 2D में आएंगे, लेकिन फिलहाल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस दिखाने के लिए मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन की सर्कल लेते हुए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कार है जो सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस क्या है आर है। पहला काम डायग्राम, पहला काम डायग्राम, सुंदर सा क्या बनाया हमने सर्कल, इसका रेडियस क्या है आर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार व्हेन द एंगल रोटेटेड बाय इट इज थीटा। मतलब हमारे पास जो है एक छोटी सी कार यहां पर है और जो ये कार है ये घूमकर यहां आ गई है, तो ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो कह रहा है इसका डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, कह रहा है इसका डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है। तो बेटा पहले समझते हैं कि डिस्टेंस है क्या और डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्टेंस है क्या और डिस्प्लेसमेंट है क्या। डिस्टेंस है बेटा ये पूरा काला आर्क जो आपको दिख रहा है ना, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और हम कहते हैं कि जो ये आर्क लेंथ होती है, जो ये आर्क लेंथ होती है ये क्या होती है, आर्क लेंथ होती है रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल, बट एंगल मस्ट बी इन रेडियंस, एंगल मस्ट बी इन रेडियंस, एंगल जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए बेटा, एंगल किसमें होना चाहिए बेटा रेडियन में होना चाहिए। तो आर्क लेंथ इज रेडियस इंटू एंगल, एंगल मस्ट बी इन रेडियंस, ठीक है बेटा। तो बताओ डिस्टेंस ट्रेवल जो कि आर्क लेंथ था, डिस्टेंस जो कि आर्क लेंथ था तो वो कितना होगा आर इंटू थीटा, यही हमारा आंसर आ गया आर इंटू थीटा। ये था आसान काम, अब मुश्किल काम की बात करें, मुश्किल काम है यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना, शॉर्टेस्ट पॉइंट शॉर्टेस्ट लेंथ आई से आज तक ये डायरेक्ट जो लेंथ जा रही है ना, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा ये, कैसे निकालें इसको, तो हमने कहा देखो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे बेटा। तो देखो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये होगा थीटा बाय टू। अब अगर ये डिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया तो ये भी क्या होगा एक्स ही होगा। इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर थीटा बाय टू के सामने वाला एक्स है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, डिवाइड बाय 90 के सामने वाला कौन सा होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा। तो हम बोलेंगे साइन, एंगल कितना हमारे पास थीटा बाय टू इक्वल्स टू एक्स बाय आर, एक्स कितना आर इंटू साइन थीटा बाय टू, आर इंटू साइन थीटा बाय टू, ये है हमारा एक्स, कितना आया आर इंटू साइन थीटा बाय टू, लेकिन आंसर एक्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो टू टाइम्स एक्स होगी। तो हम क्या बोलेंगे बेटा यहां पर, हम बोलेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट बराबर टू टाइम्स एक्स, दैट मीन्स टू टाइम्स आर साइन थीटा बाय टू,
टू आर साइन थीटा बाय टू। ठीक है बेटा, समझ गए? ठोक बता ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो थोड़ा सा ग्राफ लेकर आया हूं मैं, ठीक है, डरना नहीं है, अच्छे से देखना है इसको। क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने एक छोटा सा नोट लिखवाया था आपको, एक छोटा सा नोट बताया था आपको, उस नोट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, उस नोट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या नोट था, चलिए दोबारा से रिविजिट करते हैं उसको बेटा। नोट यहां पर था, ध्यान से देखना, नोट यहां पर था, कह रहा है कि नोट के ऊपर था इनफैक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी टाइम के साथ घट नहीं सकता, डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। इसी के ऊपर बेटा क्वेश्चन बनाकर दिया है मैंने, हर एक बात में क्वेश्चन छुपा है बेटा, हर एक बात में क्वेश्चन छुपा है, अच्छे से देखना। क्वेश्चन क्या रहा है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, और मैंने क्या कहा, डिस्टेंस कभी भी समय के साथ घट नहीं सकता, डिस्टेंस कभी भी समय के साथ घट नहीं सकता। तो आपको देखना है इनमें से किसका डिस्टेंस समय के साथ घट रहा है, इनमें से किसका डिस्टेंस समय के साथ घट रहा है। तो देखो बेटा, आप अलग अलग टाइम इंस्टेंट देख लो, आप अलग अलग टाइम इंस्टेंट देख लो, एक टाइम ये लिया, एक टाइम ये लिया, इस टाइम पर जो एस है, इस टाइम पर भी वही एस है, दोनों टाइम पर बराबर एस है, मतलब एस चेंज नहीं हो रहा, एस कांस्टेंट है, मतलब पार्टिकल चल नहीं रहा, पार्टिकल रुका हुआ है। तो ये पॉसिबल तो है ना, पार्टिकल रुका हुआ पॉसिबल तो है ना, तो ये मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये आंसर नहीं है, ये सही है इसलिए आंसर नहीं है, इसमें मतलब कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल है। अगली बात करते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। हमने दो पॉइंट चूज करे, एक पॉइंट चूज ये किया, एक पॉइंट चूज ये किया, इस पर देखो टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ सकता है, पार्टिकल चल रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं सी की। अब सी में देखो, देखो टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, टाइम बढ़ा डिस्टेंस घटा, टाइम बढ़ा डिस्टेंस घटा, क्या पॉसिबल है ये, पॉसिबल नहीं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यही आंसर है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यही आंसर है बेटा, यही आंसर है हमारा, ये पॉसिबल नहीं है। अगला पार्ट भी देख लेते हैं, हालांकि हमें आंसर मिल चुका है लेकिन फिर भी अगर इसको देखें तो हम कह रहे हैं टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए पॉसिबल है। तो हमने जो एक छोटी सी बात आपसे करी थी, हमने एक जो छोटी सी बात आपसे करी थी, क्या बात करी थी कि समय बढ़ेगा तो डिस्टेंस घट नहीं सकता, उसी के ऊपर बेस ये क्वेश्चन आपके सामने आया, उसी के ऊपर बेस ये क्वेश्चन आपके सामने आया और हमारा आंसर निकल कर आया सी। आगे बात करते हैं बेटा, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं, चैलेंजर पे आ रहा हूं, ठीक है ना, चैलेंजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये, पॉज करना है, देखना है, समझना, बड़ा सा पैराग्राफ आपको मिला हुआ है, बड़ा सा पैराग्राफ आपको मिला हुआ है। देखो बेटा होता क्या है कि जो आपके पास आईआईटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरली उसमें क्वेश्चन बड़े बड़े लेंदी लेंदी होते हैं, वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि हो क्या रहा है, पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि हो क्या रहा है, आपको बढ़िया से समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या करेगा, दो ट्रेन हमारे पास है, ठीक है ना, और वो 50 किलोमीटर दूर है, दो ट्रेन हमारे पास हैं जो कि 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो आप ट्रेन ए यहां लेंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे, दूसरी ट्रेन यहां ले लेंगे, ये दो ट्रेन हमारे पास हैं, शानदार ट्रेन हमारे पास है, ठीक है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास बेटा, 50 किलोमीटर है, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा हमारे पास, 50 किलोमीटर है। किसी आफ्टरनून में क्या हुआ, दो ट्रेन जो थी वो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना, वन फ्रॉम ईच स्टेशन, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। Just as the trains pull out of the station, a bird springs into the air in front of the first train. तो एक bird यहाँ पर आ गया, in front of the first train, एक bird यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, एक छोटा सा bird यहाँ पर आ चुका है। अब क्या कर रहा है ये, ये कह रहा है कि ये दूसरी train की तरफ भाग रहा है, train भी चल रही है,
ये इधर और ये इधर, और ये बर्ड दूसरी ट्रेन की तरफ भाग रहा है। फिर क्या हो रहा है, व्हेन इट रीचेस द सेकंड ट्रेन इट टर्न्स बैक एंड फ्लाइज टुवर्ड्स द फर्स्ट ट्रेन। ये गया यहां तक, ट्रेन भी आगे आ रही है, इसे टच किया और फिर वापस आया, टच किया और वापस आया, ठीक है ना, इसको टच किया और वापस आया, ठीक है ना, सामने ट्रेन भी आ रही है, टच किया वापस आया, खतरों का खिलाड़ी है हमारा, ठीक है ना। द बर्ड कंटिन्यूज टू डू सो अंटिल द ट्रेन्स मीट, जब तक ट्रेन मिल नहीं जाती, टकरा नहीं जाती और बर्ड जो है हमारा वो उड़ नहीं जाता, ठीक है ना, तब तक क्या हो रहा है, तब तक ये बर्ड ऐसे 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 करता जा रहा है, ऐसे 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 करता जा रहा है, इसके बाद जाता है फिर वापस आता है, इसके बाद जाता है फिर वापस आता है, इसके बाद जाता है फिर वापस आता है, करता जा रहा है ये चीज, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बोथ ट्रेन ट्रेवल एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों की रफ्तार कितनी है, ये ट्रेन चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये भी चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है ना। द बर्ड, जो बर्ड है वो उड़ रहा है कितने से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, बर्ड उड़ रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो कह रहा है कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस बर्ड ट्रेवल कर लेगा जब ये मीट करती है उससे पहले, बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दोनों ट्रेन के मिलने से पहले, बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ट्रेन्स कितने समय के बाद मिलेंगी, ट्रेन्स कितने समय के बाद मिलेंगी। तो एक अप्रोच इसकी रिलेटिव मोशन से भी आती है निकालने के लिए, बट उसको हम आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल मैं आपको ग्राउंड फ्रेम से बताता हूं। देखो बेटा हो क्या रहा है, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, दोनों की रफ्तार बराबर है, दोनों की रफ्तार बराबर है तो ये एकदम बीचों बीच मिलेंगे, दोनों की रफ्तार बराबर है, दोनों बराबर चलेंगी तो दोनों एकदम क्या करेंगी, एकदम बीचों बीच मिलेंगी। दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 था, दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 था, तो 25 ये चलेगी और 25 ये चलेगी, जब ये मिलेंगी ना तो 25 ये चलेगी और 25 ये चलेगी। तो ट्रेन ए, इसका नाम लिखते हैं ट्रेन ए, ट्रेन ए कितना चली, ट्रेन ए कितना चली, ठीक है। तो हम कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ए इज 25 किलोमीटर, आधा क्यों, क्योंकि आधा ही चलेगी, ठीक है। अच्छा स्पीड कितनी है ट्रेन ए की, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए की स्पीड कितनी होगी, ट्रेन ए की स्पीड होगी हमारे पास कितनी, इसकी रफ्तार है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना समय लेगी ट्रेन टकराने के लिए, कितना समय लेगी बताओ बच्चों, कितना समय लेगी ट्रेन टकराने के लिए, तो ट्रेन समय लेगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है VA, ठीक है। तो ये हो गया 25 किलोमीटर डिवाइड बाय 25 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम आएगा एक घंटे का, टाइम आएगा एक घंटे का बेटा, एक घंटा ट्रेन लेगी, एक घंटे के बाद ट्रेन टकरा जाएंगी, मतलब बर्ड कितनी देर तक उड़ेगा, बर्ड कितनी देर तक उड़ेगा बेटा बताओ, बर्ड उड़ेगा एक घंटे के लिए, क्योंकि एक घंटे के बाद तो वो उड़ी जाएगा, जब ट्रेन टकरा जाएंगे तो बर्ड क्या होगा, उड़ी जाएगा, ठीक है ना। तो जब बर्ड की अगर हम बात करें तो ट्रेन से टकराने से पहले बर्ड उड़ता रहा, तो बर्ड उड़ रहा है कितने समय के लिए, एक घंटे के लिए, एक घंटे के बाद कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। एक घंटे में बर्ड किस रफ्तार से उड़ रहा था, बर्ड उड़ रहा था 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, क्योंकि बर्ड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ रहा था, तो बर्ड एक घंटे में कितना उड़ लेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बर्ड will be, distance traveled by the bird will be speed of the bird multiplied by time. Now what is the speed of the bird? Speed of the bird is 100. Time, time कितना लगेगा बर्ड को, time कितना लगेगा बर्ड को, एक घंटा, तो ये चलेगा 100 किलोमीटर, बर्ड 100 किलोमीटर उड़ जाएगा, बर्ड 100 किलोमीटर ऐसे आगे पीछे करके उड़ जाएगा। अब यहां पर एक बात सोचना, कमेंट्स में लिख के बताना, एक बार सोचना कमेंट्स में लिख के बताना, बर्ड कितनी राउंड ट्रिप करेगा, आगे पीछे कितनी बार जाएगा, बर्ड कितनी राउंड ट्रिप करेगा, ये आपको बताना है, कमेंट्स में लिख के बताओ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल उसका 100 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल उसका 100 किलोमीटर है, लेकिन बर्ड कितना बार राउंड ट्रिप लेगा, ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट्स में लिख के बताना है बेटा, कितनी बार वो राउंड ट्रिप लेने वाला है, समझे बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ ड्रंकर्ड पर्सन, ठीक है, एक आदमी जो एकदम जो है पी पा के एकदम मस्त है, बढ़िया से चल रहा है, ठीक है, तो एक ड्रंकर्ड पर्सन है जो कि एक नैरो लेन में जा रहा है, ये पांच स्टेप तो आगे चल रहा है, झूम रहा है, बिल्कुल पांच स्टेप तो वो आगे चल रहा है, ठीक है ना, उसके बाद क्या कर रहा है, तीन स्टेप फिर पीछे आ रहा है, ठीक है, पांच स्टेप आगे जा रहा है, तीन स्टेप पीछे आ रहा है, ठीक है, अच्छा, और बार बार चल रहा है, पांच स्टेप आगे चलता है, तीन स्टेप पीछे आता है, पांच स्टेप आगे चलता है, तीन स्टेप पीछे आता है, ठीक है, अच्छा, अब क्या रहा है कि ईच स्टेप इज वन मीटर लॉन्ग, हर उसका स्टेप एक मीटर का है, कदम उसका कितना है, एक मीटर का, एक स्टेप में एक मीटर आगे जाता है, तो पांच स्टेप में पांच मीटर आगे जाएगा, तीन स्टेप में तीन वाट पीछे जाएगा, ठीक है, अच्छा, और हर स्टेप उसका एक सेकंड भी ले रहा है, एक मीटर चल रहा है, एक सेकंड ले रहा है, एक मीटर चल रहा है, एक सेकंड ले रहा है, ठीक है, हाउ लॉन्ग द ड्रंकर टेक्स टू फॉल इन ए पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट, तो जहां से उसने शुरू किया उससे 13 मीटर दूर, जहां से उसने शुरू किया उससे 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, एक पिट है, कितने समय के बाद गिरेगा, कितना डिस्टेंस चल के गिरेगा, कितने समय के बाद गिरेगा, कितना डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग पूछा है तो कितना समय पूछा है, हालांकि जो समय होगा वही डिस्टेंस भी होगा, क्यों, क्योंकि बराबर है ना, 1 meter = 1 second है, ठीक है ना, खैर निकालते हैं, क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले एक सुंदर डायग्राम बनाना है, हमारे पास यहां पर क्या है, एक गड्ढा है, एक गड्ढा है, ठीक है ना, एक पिट है, और यहां पर है हमारा ड्रंकर्ड पर्सन, ठीक है, ये 5 meter आगे जाता है, 5 step आगे लेता है, और फिर क्या करता है, 3 step पीछे आता है, तो कुल मिला के कितना आगे चला इसने, कुल मिला के कितना आगे बढ़ा, 2 meter तो आगे बढ़ा, बस 2 meter तो आगे बढ़ा, यस और नो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, 2 meter तो आगे बढ़ा, अच्छा इससे कितना दूर है गड्ढा, इससे दूर है 13 meter गड्ढा, 13 meter गड्ढा है, तो देखो एक बारी में ये 5 meter आगे जाता है, क्वेश्चन करने की अप्रोच सीखो, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन करने की अप्रोच सीखो, अगर यहां पे 13 ने देखे कितना दिया होता, 1300 दिया होता, फिर क्या करते, ठीक है ना, अगर 13 की जगह पर 1300 दिया होता, ठीक है, तब क्या करते, तो क्या आप हर बार कैलकुलेट करते, एक बार में इतना, अगली बार में इतना, तीसरी बार में इतना, चौथी बार में इतना, पांचवी बार में इतना, नहीं कर सकते ना ये बात, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अप्रोच सीखनी होगी, 13 है छोटा नंबर है, कैलकुलेट आप मैं खुद काउंट करके भी कर सकते हो कैलकुलेट, लेकिन काउंट करके करेंगे तो फिर फायदा नहीं है, हमें एक मेथड सीखना है, मेथड क्या है वो देखते हैं, देखो जब ये 5 meter आगे चलता है, ठीक है, तो अगर ये 13 से 5 meter कम, 13 - 5 को सबसे ले, 13 - 5 कितना हुआ बेटा, 8, जब तक ये 8 meter पर नहीं पहुंच जाता, जब तक ये 8 meter पर नहीं पहुंच जाता, तब तक तो कम से कम ये गड्ढे में नहीं गिरेगा, तब तक तो कम से कम ये गड्ढे में नहीं गिरेगा, उसके बाद ही तो गिरेगा ना, तो पहले इसको 8 पे पहुंचाओ, पहले इसको 8 पे पहुंचाओ, देखो बेटा ये 2 meter आगे चलता है एक 8 meter के स्टेप में, ठीक है, तो जब इसका डिस्टेंस होता है कितना, 8 meter का, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2 meter का, 2 meter का डिस्प्लेसमेंट आगे लेता है, अगला 8 meter चल के अगला 2, अगला 8 meter चल के अगला 2, तो 8 meter 2-2 के लिए कितने बार चलना पड़ेगा इसको, तो आप करेंगे 8/2 करेंगे, इसको यहां पहुंचाना है ना, तो 8/2 मतलब 4 बार चलेगा ये, 4 बार चलेगा ये, कितने कितने स्टेप, 8-8 meter के स्टेप, 4 बार चलेगा 8-8 meter के स्टेप, 4 बार चलेगा 8-8 meter के स्टेप, और कहां पहुंचेगा, 8 पे पहुंचेगा, ठीक है, 5 आगे जाएगा 3 पीछे आएगा, 5 आगे जाएगा 3 पीछे आएगा, कितनी बार करेगा ऐसा काम, 4 बार करेगा, तब जाके कहां पहुंचेगा, 8 पे पहुंचेगा, तब जाके कहां पहुंचेगा, 8 पे पहुंचेगा, आई बात समझ में, ठीक है ना, तो हम बोल रहे हैं कि 4 बारी ये ऐसे ऐसे स्टेप कितनी बार लेगा, ऐसे ऐसे स्टेप कितनी बार लेगा, ये 4 बारी लेगा, ठीक है ना, 4 times लेगा, और 4 times ये स्टेप्स लेने के बाद ये कहां पहुंचेगा, 8 पे पहुंचेगा, उसके बाद कहां पहुंचेगा ये बेटा, 8 पे पहुंचेगा, जब ये यहां पर पहुंच गया उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब ये अगला 5 चलेगा ना तो गड्ढे में गिर जाएगा, अगला 5 चले गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है, तो 4 steps
चार बार रिपीटेशन करनी है इसको, किसकी? 8 मीटर की, 5 आगे 3 पीछे वाले की, 4 बार रिपीटेशन करनी है। तो 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, यहां तक पहुंचेगा। उसके बाद 5 और चलना है तो गड्ढे में गिरेगा। तो 8 चौक 32 प्लस 5 37 मीटर या 37 सेकंड में ये गड्ढे में गिरेगा, 37 मीटर या 37 सेकंड में गड्ढे में गिर जाएगा। आ रही है बात समझ में? सेम चीज करनी होती अगर ये 13 ना देकर 130 दिया होता, मान लिया ये 130 दिया होता, क्या करते? 130 में से आप क्या करते? आप 5 माइनस करते। 130 में क्या करते? आप 5 माइनस करते। कितना आता? कितना आता बेटा? 130 में से 5 माइनस करो। 130 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, काम करते हैं। सपोज हमें दे रखा है कि गड्ढा कहां पर है? 130 पर है। हमने कहा 5 पीछे आ जाओ पहले, तो कितना बचा? ये 125 बचा। तो 125 पे तो कभी पहुंचेगा नहीं है, 125 पे तो कभी पहुंचेगा नहीं है। तो एक काम करते हैं, 124 पे बचाते हैं, 124 पे, उसके बाद काउंट कर लेंगे, उसके बाद काउंट कर लेंगे। 124 में कब आएगा? दो दो के स्टेप लेने हैं। 124 तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप लेने पड़ेंगे उसको? तो 124 को आप डिवाइड करेंगे इससे 2 से, कितना आएगा? 62 आएगा। तो 62 टाइम्स ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके चलेगा और कहां पहुंचेगा? 124 से पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? 124 से पहुंचेगा, ठीक है। तो 8-8 मीटर के 62 स्टेप्स, कितने स्टेप्स हो गए? तो हम बोलेंगे 62 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना हो गया? 8 × 2 = 16, हाजिर लगा 1, 8 × 48 = 49। 496 स्टेप्स चल चुका होगा 124 से पहुंचने के लिए, 496 स्टेप चल चुका होगा 124 पर पहुंचने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद 5 स्टेप आ गया, 129 से पहुंचा गिरेगा नहीं, 129 से पहुंचा गिरेगा नहीं। 3 वापस आएगा, कहां पहुंचेगा? 126 पे पहुंचेगा, मतलब 1-8 वाला इसने और चला, कहां पहुंचा? 126 पे पहुंचा। अब 4 आगे चलेगा गिर जाएगा, अब 4 आगे चलेगा गिर जाएगा, तो प्लस 4 और करेंगे इसमें, तो 508 हमारा आंसर आ जाएगा, 508 हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा ये अप्रोच है, पहले उसको उसके पास लेके जाना है, पास कितना लेके जाना है? जितना आगे जा रहा है ना, जितना ये आगे जा रहा है ना 5 मीटर, उतना आपको उसके पास लेके जाना है, क्योंकि वो इंश्योर करेगा कि अभी तक तो ये गड्ढे में गिरने वाला है नहीं। उससे आप नंबर ऑफ स्टेप्स निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। समझ में आया तो ठोको ताली, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अच्छे से देखना है इसको, ठीक है, बढ़िया से सोचना है इसको। मैंने आपको 13 कराया, 13 से 130 भी करवाया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं, चैलेंजर नंबर 2, बहुत जबरदस्त चैलेंज है बेटा, ये भी ध्यान से देखो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर इसका आंसर निकलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर इसका आंसर निकालेंगे हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास, और यहां पर एक चींटी बैठी है, आंट, ठीक है ना, चींटी बैठी है यहां पर। अब ये चींटी क्या चाह रही है? ये चींटी चाह रही है इस क्यूब के दूसरे कॉर्नर पर पहुंचना, ये चाहती है कि मैं यहां पहुंच जाऊं दूसरे कॉर्नर पर, यहां बैठी है, चाहती है यहां पहुंच जाऊं। लेकिन ये चींटी कैसी है? ये चींटी है लेजी चींटी, लेजी आंट है, ठीक है, ये लेजी आंट है, यहां से चलकर यहां पहुंचना चाहती है, लेकिन ये क्या चाहती है कि कम से कम डिस्टेंस चलना पड़े, कम से कम डिस्टेंस चलना पड़े। यहां पर हम कह रहे हैं साइड लेंथ कितनी है इसकी? साइड लेंथ क्यूब की a है, कम से कम डिस्टेंस चलकर वो इस दूसरे पॉइंट पर पहुंचना चाहती है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप क्या करेंगे अब? आपको क्या करना है? आपको पॉज करना है, कमेंट में अपने आंसर लिखने हैं, आपको पॉज करना है, कमेंट में अपने आंसर लिखने हैं, ठीक है ना। और मैं अपनी ज्योतिष विद्या से कुछ कोशिश करूंगा ये प्रिडिक्ट करने की आपने क्या आंसर लिखे होंगे। तो कुछ बच्चों के आंसर मैं प्रिडिक्ट करने की यहां पर कोशिश करूंगा, देखते हैं कितने बच्चों से मैच करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे हमारा आंसर है √3a, ठीक है, कुछ बच्चे तो बोलेंगे हमारा आंसर है √3a, गलत। अरे √3a जो होता है वो तो डायगोनल वाला पॉइंट होता है ना, चींटी उड़कर होना जाएगी डायगोनल के अलोंग, आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है। चींटी हवा में उड़कर होना जाएगी, चींटी तो क्यूब के ऊपर चढ़ के जाएगी, ठीक है, तो ये डायगोनल के अलोंग जा नहीं सकती, इसलिए √3a आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। चींटी कह जाएगी, चींटी देखो इसके ऊपर चलते हुए जाएगी, कैसे जाएगी? इसके ऊपर चलते हुए जाएगी, कैसे? ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे करते हुए जाएगी, ठीक है ना, उड़ के नहीं जा सकती अंदर से, इसलिए √3 आंसर नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ गए, इसका आंसर होगा 3a,
ठीक है। अच्छा 3A भी गलत है, 3A भी गलत है। कैसे गलत है? देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि देखो चींटी पहले ऐसे जाएगी, ठीक है, फिर चींटी ऐसे जाएगी और फिर चींटी ऐसे जाएगी, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। नहीं होगा ये शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया तो कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ गए, आंसर होना चाहिए रूट टू प्लस वन इंटू ए, रूट टू प्लस वन इंटू ए आंसर होना चाहिए। लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये गलत क्यों है बेटा? देखो देखो यहां पर क्या हो रहा होगा, कौन बच्चा ये आंसर देगा? बच्चा क्या कह रहा होगा? बच्चा बोल रहा होगा देखो चींटी पहले गई होगी यहां से यहां पे, छोटा रास्ता, चींटी गई होगी यहां से यहां पर, कितना हुआ डिस्टेंस? रूट टू ए पाइथागोरस से निकला, फिर चींटी गई होगी यहां से यहां, कितना डिस्टेंस? ए डिस्टेंस। तो रूट टू ए ऐसे गई और ए ऐसे गई, कुल मिला के कितना डिस्टेंस हुआ? कुल मिला के कितना डिस्टेंस हुआ? रूट टू ए प्लस ए हुआ, रूट टू ए प्लस ए हुआ। लेकिन ये भी गलत है। तो अब बच्चे कहेंगे सर सही आंसर क्या है? कुछ बच्चों ने सही आंसर दे दिया होगा, ठीक है ना। मुझे पता है कि ये लाइव नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी जब वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके कमेंट में लिखो, उल्टी पुल्टी बातें लिखने से अच्छा क्या है आंसर लिखो, सर मेरा ये आ रहा था, ताकि हमें देख के मालूम पड़े ना कि बच्चे क्या चाह, बच्चे क्या आंसर दे रहे थे जब हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो ठीक है, तो सही आंसर लिख के बताओ आपके क्या, चीटिंग नहीं करनी है कि पहले पूरा वीडियो देख लिया, अच्छा ये आंसर था, लिख देता हूं ये आंसर था, जो आंसर आपका आया वो लिखना है कमेंट्स में, ठीक है, ताकि हम देखें हमें समझ में आए अच्छा ये आंसर आया था बच्चे का, ठीक है। अच्छा देखो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कुछ, ठीक है ना। तो आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच सकते हैं? देखो हमने कहा कि अगर क्यूब का जो ये दरवाजा है ना, इसे खोल देते हैं, इसे खोल देते हैं किसी दरवाजे को, ठीक है ना, खोल देते हैं दरवाजे को, ठीक है। खोलने के बाद क्या होगा? देखो बेटा क्यूब पहले ऐसे था, हमने क्या कहा? हमने कहा भाई इस दरवाजे को खोल दो, ठीक है ना, इसके इसको खोल दो, यहां से खोल दो इसको। तो हमने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा हमने खोल दिया, ठीक है। चींटी को यहां से यहां जाना था, मतलब चींटी को यहां से यहां आना है, चींटी को यहां से यहां आना है, समझे? चींटी को यहां से यहां आना है। अगर चींटी को यहां से यहां आना है तो शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा बेटा बताओ? शॉर्टेस्ट रास्ता होगा बेटा ये है छोटा रास्ता, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रास्ता से छोटा रास्ता, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट रास्ता हमारा ये आया, ये ए था, ये ए था, ये ए था, तो ये 2a हुआ, ये a हुआ, कितना आया डिस्टेंस? अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, रूट 5a इज द आंसर, करेक्ट आंसर इज रूट 5a। जिन जिन ने आंसर रूट 5a दिया है अपने लिए ठोक बता ली, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको बताया डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन दिखाया बेटा मैंने आपको, और अब हम बात करेंगे किसकी? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे बेटा? हम बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। अच्छा देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? कितना डिस्टेंस चला डिवाइड बाय कितना टाइम लगा, ठीक है। इसको सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेन है, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन स्टार्ट हो रही है यहां से और ये घूम फिर कर पहुंच रही है यहां पे, ठीक है। मान लेते हैं जो ये ट्रेन है ये स्टार्ट होती है बिहार से और ये पहुंचती है दिल्ली, ट्रेन स्टार्ट होती है बिहार से और पहुंचती है दिल्ली, ठीक है ना। तो देखो हमने कहा कि मान लेते हैं बिहार से दिल्ली का जो रास्ता है, बिहार से दिल्ली का जो रास्ता है, कुल रास्ता जो ट्रेन ने ट्रेवल किया वो किया उसने 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज 1000 किलोमीटर। और लेट अस से इस ट्रेन ने आपको बिहार से दिल्ली मान लेते हैं 20 घंटे में फेंक दिया, उसने बिहार से उठाया आपको और दिल्ली 20 घंटे में फेंक दिया, ठीक है ना। तो 1000 किलोमीटर उसने 20 घंटे में ट्रैवल किया, लेकिन क्या पूरी जर्नी के दौरान उसकी रफ्तार कांस्टेंट थी? क्या पूरी जर्नी के दौरान उसकी रफ्तार कांस्टेंट थी? आंसर है नहीं। कभी वो बहुत तेज चल रही होगी, हो सकता है वो जा रही हो 180 किलोमीटर प्रति घंटा से, राजधानी में बैठ गए, जा रही है 180 किलोमीटर प्रति घंटा से, बहुत तेज जा रही है,
ठीक है ना। और कभी हो सकता है वो स्टेशन पे ही आधा घंटा रुकी रहे, चल ही ना रही हो, स्टेशन पे ही बैठी हुई हो, स्टेशन पे ही आधा घंटा रुकी हुई, चल ही नहीं रही आगे, ठीक है ना। तो अब गाड़ी कभी धीरे जा रही होगी, कभी रुकी हुई होगी, कभी स्लो जा रही होगी, उसकी रफ्तार क्या है, बदल रही है। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रफ्तार, जिसकी बात हम करेंगे आगे। अभी क्या बात करनी है, एवरेज की। एवरेज का मतलब है वो ऑन एन एवरेज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वो ऑन एन एवरेज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जिससे चलने पर बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में पूरा हो जाए। और मैंने कहा कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, ये होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो कितना आएगा बेटा बताओ, एवरेज स्पीड कितना आएगा, कितना डिस्टेंस चला आपने 1000, कितना समय लगा आपको 20 घंटा, तो कितना आया आपके पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा आया, कितना आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जो ये ट्रेन है अगर चलती, अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ये ट्रेन चलती तो क्या होता, तो क्या होता, तो ये ट्रेन आपको बिहार से दिल्ली 20 घंटे में ही पहुंचा देती, ठीक है। तो उसने स्पीड बदली, तो कभी 50 से तेज चली, कभी 50 से कम चली, कभी रुकी भी, तो भी 20 घंटा लिया। लेकिन अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती तो भी 20 घंटे में ही आपको दिल्ली उतार देती। ये मतलब है एवरेज स्पीड का, ये मतलब है एवरेज स्पीड का। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो वो क्या होगा, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या मतलब है इसका बेटा, इसका मतलब है कि अगर आपको वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट लेना है। मतलब अगर हमने बिहार और दिल्ली के बीच में एक बिल्कुल सीधी पटरी बिछा दी होती, एक बिल्कुल सीधी पटरी बिछा दी होती, तो ये पटरी पहली बात तो 1000 किलोमीटर से छोटी होती। तो मान लेते हैं पटरी है 700 किलोमीटर की, ठीक है। अगर हमने बिहार और दिल्ली के बीच में एक सीधी पटरी बिछा दी होती तो इस पटरी पर किस कांस्टेंट रफ्तार से चलते ताकि ट्रेन 20 घंटे में ही आपको दिल्ली फेंक देती, ठीक है ना। तो वो कितना आएगा, उसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। कितनी आएगी बेटा, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 700 का, टोटल टाइम कितना हुआ 20, तो कितना हुआ ये किलोमीटर प्रति घंटा में हम निकालना चाहेंगे, ये हुआ बेटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड कितना आया बेटा 50 आया, एवरेज वेलोसिटी कितना आया बेटा 35 आया। कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, तो आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यहां डिस्टेंस है, यहां डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो छोटा होता है, डिस्टेंस तो बड़ा होता है, इसलिए एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी से बड़ा हुआ, इसलिए एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। समझ गए फॉर्मूला, दोनों के याद हो गए आपको, एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी से क्या होगा। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले बिना पलटे, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले बिना पलटे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि तब डिस्टेंस डिफरेंट क्या हो जाएंगे, बराबर। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना बेटा, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहां पर क्या कहते हैं, इसके पास एक डायरेक्शन भी है, इसके पास एक डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। क्या डायरेक्शन होती है बेटा इसकी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी की बेटा डायरेक्शन होती है सेम एज डिस्प्लेसमेंट, सेम एज डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां लिख देता हूं बेटा आपके लिए, एवरेज वेलोसिटी हैज डायरेक्शन सेम एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हैज डायरेक्शन सेम एज डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ, मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ, मतलब बिहार से
दिल्ली की तरफ में, मतलब बिहार से दिल्ली की तरफ ही एवरेज वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में ही क्या है डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पर्सन है जो ट्रेवल करता है आधा डिस्टेंस रफ्तार v1 से एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस, रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आधा डिस्टेंस तो चल रहा है वो v1 से, बचा हुआ आधा चल रहा है v2 से, तो व्हाट इज हिज एवरेज वेलोसिटी, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहां पर एक सुंदर डायग्राम बनाना है, एक सुंदर डायग्राम बनाना है। ठीक है, कैलकुलेशन गंदी कर सकते हो, डायग्राम गंदा नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन गंदी कर सकते हो, डायग्राम गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको डायग्राम की अहमियत समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जब लॉज ऑफ मोशन में जाओगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जब रोटेशन पे जाओगे ना इतने सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, डायग्राम सुंदर नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, एरो टेढ़े मेढ़े कर दिए ना डायरेक्शन ही बदल जाएगी उसकी। तो बड़े ध्यान से जो कह रहा हूं बातें वो मानते हुए चलो, कह रहा हूं डायग्राम सुंदर बनाना, तो सबसे पहला स्टेप ही डायग्राम का रहेगा। आसान क्वेश्चन हो मुश्किल क्वेश्चन हो डायग्राम जरूर बनाओ। ठीक है बेटा, एक पर्सन है जो ट्रेवल कर रहा है हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1, आधा डिस्टेंस चल रहा v1 से, बचा हुआ आधा डिस्टेंस चल रहा v2 से। ठीक है ना, आधा डिस्टेंस का मतलब इसको आप ले सकते हो d/2, इसको ले सकते हो d/2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या मैं डी और डी ले लूं, डी बाई टू लेना अच्छा लग नहीं रहा है, डी और डी ले लूं, ले सकते हो। आधा मतलब क्या, बराबर बराबर भी बोल सकते हो ना, आधा आधा मतलब बराबर बराबर, तो ये डी तो ये भी डी बोल सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो d/2 चल रहा v1 से, अगला d/2 चल रहा v2 से, एवरेज कितना होगा, एक कॉन्स्टेंट रफ्तार क्या हो कि बराबर समय में निकल जाए। ठीक है, अब यहां पे पार्टिकल पलट तो रहा नहीं है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी होंगे, बराबर कितना होगा वो देख लेते हैं। तो देखो बेटा एवरेज टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट्स द फॉर्मूला। ठीक, तो डिस्टेंस कितना लगा यहां पर, देखो डिस्टेंस आप बता सकते हो फटाफट बताओ कितना होगा, d/2 + d/2 टाइम कितना लगा। अब देखो बेटा टाइम तो हमने यहां पर लिया नहीं है, माना नहीं है, तो क्या करें, टाइम कैसे निकाले यहां पर। तो देखो हमने क्या कहा, इस रास्ते में जो टाइम लगा अगर वो t1 लगा तो टाइम होगा डिस्टेंस d/2 स्पीड, डिस्टेंस d/2 स्पीड v1, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ गए, यहां आते हैं यहां पे टाइम कितना लगा t2, कितना हमें है ये डिस्टेंस, कितना d/2, स्पीड कितना v/2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर स्पीड होती है कांस्टेंट, हम कह रहे हैं कि इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो टाइम t1 एंड t2 वहां पे हम पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। टाइम t1 मतलब d/2 v1 + d/2 v2 d/2 v1 + d/2 v2। ठीक है, तो देखो d/2 मिलके d बनेगा, यहां से d/2 कॉमन आएगा, 1/v1 1/v2 1/v1 1/v2। ठीक, ये 2 एलसीएम लेके सब ऊपर लेके जाते हैं, तो 2v1 v2 / v1 + v2 ये हमारा होगा v एवरेज, ये हमारा होगा। बेटा ये फॉर्मूला आपको कर लेना है याद, आपको एग्जाम में बहुत बारी देखा गया है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं। वो आपको डेटा देता है, वो कहता है पहला 10 किलोमीटर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, अगला 10 किलोमीटर चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, एवरेज निकाल दो।
तो बराबर बराबर डिस्टेंस, अलग अलग रफ्तार। जब भी बेटा बराबर बराबर डिस्टेंस, अलग अलग रफ्तार होगी, फॉर्मूला आएगा 2v1v2 / v1 + v2, मुझबानी भी सॉल्व हो सकता है बेटा। हाँ, कभी वो आपको कार दे देगा, ये कार जा रही है, पहला डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, पहला आधा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया लेट अस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगला ट्रेवल किया उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, एवरेज क्या होगा? तो बच्चा कहता है 30-50 एवरेज होगा 40, बीच का निकाल दिया उन्होंने, लेकिन वो नहीं निकलता है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है? 2v1v2 / v1 + v2, दोनों का बीच में नहीं आएगा, 30 और 50 का निकाल के देख लो क्या आएगा, 30 और 50 कितना आएगा बेटा देखो, 2 30 50 30 + 50, ये आएगा बेटा, तो कितना होगा ये 2 × 30 × 50 / 80 होगा ये, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 4 हो जाएगा, ये इससे 2 हो जाएगा, इससे 15 हो जाएगा, तो 15 × 75 / 2 हो जाएगा, 40 तो नहीं आया ना, 40 तो नहीं आया ना, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि कैलकुलेशन जो है आपको फॉर्मूले के हिसाब से करनी है, इंट्यूशन के हिसाब से नहीं। इंट्यूशन फिजिक्स में अक्सर गलत साबित होती है, इंट्यूशन फिजिक्स में अक्सर गलत साबित होती है। मैं देखता हूं कि बच्चों से मैं पूछता हूं बेटा क्या आंसर होगा, बच्चा बोलेगा सर 40, मैं पूछूंगा क्यों, बच्चा बोलेगा सर लग रहा है 30 था 50 था तो 40 लग रहा है, कोई पीछे इसके कोई आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप लगाओगे तो 40 कभी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट कितना है? 2v1v2 / v1 + v2। इंट्यूशन बहुत खतरनाक हो जाती है फिजिक्स में, तो इंट्यूशन के सहारे नहीं चलना है, लॉजिक के सहारे चलना है, ठीक है बेटा। तो हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? A person travels half the time at speed v1 and rest half time at speed v2 to find the average speed. पिछले क्वेश्चन में आधा आधा डिस्टेंस था, यहां पर आधा आधा समय है, आधा समय चल रहा v1 से, अगला आधा समय चल रहा v2 से, ठीक है। निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, तो हम बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम ट्रेवल किया। कितना स्पीड इनटू टाइम हुआ यहां पर? ये हुआ v1 × t/2। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? v1 × t/2 + यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल किया स्पीड इनटू t/2, v2 × t/2। टाइम कितना लिया? तो t/2 और t/2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास? बना v1 + v2 / 2, ठीक है। और ऊपर से t लिया कॉमन, नीचे आया t और t कट गया, कितना आया v1 + v2 / 2। अब आएगा बीच वाला आंसर। अगर अब आप कहते 30 चला पहला आधा समय, 50 से चला अगला आधा समय, तो एवरेज स्पीड कितनी अब आएगी? 40, v1 + v2 / 2, ठीक है ना। केस के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा बेटा, रटना नहीं है कि एवरेज स्पीड होती है v1 + v2 / 2, कभी भी रटना है तो पूरा रटना है, ठीक है ना। कब होती है v1 + v2 / 2? तब होती है जब बराबर बराबर समय अलग अलग रफ्तार, बराबर बराबर समय अलग अलग रफ्तार, एवरेज स्पीड होगी v1 + v2 / 2। जब बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग रफ्तार होती है, तब उस केस में क्या होता है? तब होता है 2v1v2 / v1 + v2, केस के हिसाब से बेटा फॉर्मूला लगाना है। आगे तो बेटा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन रहेंगे, डेटा मिलेगा, पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, और नहीं तो आपको इस फॉर्मूला के ऊपर आपको एप्लीकेशन करनी होगी, डायग्राम बनाना होगा, लिखना होगा, सॉल्व करना होगा, आंसर आएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, जबरदस्त
धमाकेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हमने लिखा है इसको इलस्ट्रेशन, लेकिन होना ये चैलेंजर ही चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, पॉज करना है सॉल्व करना है, पॉज करना है सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद इसे आंसर भी लिख देना है कमेंट में। इधर मेरा ये आ रहा था आपका सॉल्यूशन देखने से पहले, मेरा ये आ रहा था आपका सॉल्यूशन देखने से पहले, ठीक है ना बेटा। तो देखो कह रहा है कि एक पर्सन है वो ट्रेवल कर रहा है आधी जर्नी, ठीक है ना, V1 रफ्तार से, आधी जर्नी V1 रफ्तार से, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है एंड द रेस्ट हाफ जर्नी ही ट्रेवल्स हाफ द टाइम एट स्पीड V2, बची हुई आधी जर्नी में, बची हुई आधी जर्नी में ही इज ट्रेवलिंग आधा टाइम, हाफ द टाइम एट स्पीड V2 एंड रेस्ट हाफ टाइम एट स्पीड V3, रेस्ट हाफ टाइम एट स्पीड V3, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी ये आपको बता, उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी ये आपको, ठीक है ना। तो देखो बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, सुंदर डायग्राम, ठीक है। तो हम बनाएंगे यहां पर एक बेहद ही खूबसूरत डायग्राम, और डायग्राम क्या रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक आदमी चल रहा है आधा डिस्टेंस d/2, आधा डिस्टेंस चल रहा v1 से, बचे हुए आधे डिस्टेंस में आधा समय चल रहा कितने से, V2 से। तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके अंदर भी दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और आप कह रहे हो यहां से यहां तक का समय अगर t/2 है तो यहां से यहां तक का भी समय t/2 समय रहेगा, समझे बच्चा। तो देखो बेटा हम कह रहे यहां पर चल रहा है V2 से, यहां पे चल रहा है V3 से, V2 से और V3 से ये चल रहा है V1 से। बेटा इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है बिल्कुल फंडामेंटल से, और दूसरा मेथड है इंटेलिजेंट मेथड, स्मार्ट मेथड स्मार्ट लोगों के लिए। तो एक काम करता हूं, दोनों ही बताता हूं, आप डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मेथड नंबर वन की बात करते हैं बेटा। फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना, d/2 plus d/2, टोटल टाइम टेकन कितना, यहां पे समय लगेगा d/2 by v1, यहां से लगेगा d/2 by v1, यहां समय कितना लग रहा है बेटा, यहां समय लग रहा है t/2 plus t/2 मतलब t, लेकिन इससे आंसर निकलेगा नहीं, आंसर में ना क्वेश्चन में ना डी दिया ना टी दिया, तो आपको डी और टी को हटाना पड़ेगा। यू रिक्वायर वन मोर इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर, बिकॉज हमें पता है यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है d/2 है। तो ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास है v2 into t/2, ये डिस्टेंस कितना हमारे पास, ये कितना है हमारे पास v3 into t/2, ये है v3 into t/2, और टोटल कितना डिस्टेंस है बेटा, टोटल है d/2। तो बेटा यहां से हम t की वैल्यू को निकालेंगे और यहां पे पुट करेंगे, 2 2 2 2 कट गया, t की वैल्यू आई d/v2 plus v3, और इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे बेटा तो एवरेज वैल्यू हमको निकल कर आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पर जो हमें आंसर मिलने वाला है यहां पर वो आंसर होगा कितना बेटा, 2v1 v2 plus v3। कॉपी में बढ़िया से सॉल्व करना बेटा, मैं एलसीएम ले रहा हूं मन में, और मेरे ख्याल से आप भी अब ले सकते हो, इतने बड़े हो गए हो, ठीक है। एक तरीका था ये था मेथड नंबर वन। अब बात करते हैं मेथड नंबर टू की।
शॉर्टकट मेथड, इंटेलिजेंट मेथड। तो हमने कहा यहां पर क्या है, बराबर बराबर समय है, अलग अलग रफ्तार है, बराबर बराबर समय है, अलग अलग रफ्तार है। और जब ऐसा होता है, जब बराबर बराबर समय होता है, अलग अलग रफ्तार होती है, बराबर बराबर समय होता है, अलग अलग रफ्तार होती है, तब क्या होता है? जब ऐसा होता है कि बराबर बराबर समय, अलग अलग रफ्तार, तो एवरेज इन इस पूरे पाथ का जो एवरेज होता है ना, वो एवरेज कितना हो जाता है, होता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर v2 और v3 है, तो हम बोलेंगे इस रास्ते का जो एवरेज था वो था v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 2, और इस रास्ते में v1 था, ये d बाय 2 था, ये d बाय 2 था। तो बराबर बराबर समय के लिए फॉर्मूला क्या था, v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 2 हमने कर दिया। अब क्या बचा, अब बचा बराबर बराबर डिस्टेंस, अलग अलग रफ्तार, बराबर बराबर डिस्टेंस, अलग अलग रफ्तार। और जब ऐसा होगा, बराबर बराबर डिस्टेंस, अलग अलग रफ्तार, जब ऐसा होगा तब हम क्या कह सकते हैं, देखो बेटा, जब ऐसा होगा, बराबर बराबर डिस्टेंस और अलग अलग रफ्तार होती है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज का, क्या होता है, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो 2v1v2 क्या लेंगे, यहां पर v2 लेंगे, v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली मैंने यहां पर क्या किया, मैंने v2 की जगह पर क्या डाला, v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 2 डाल दिया, दोनों फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहां पर हम देखें तो ये 2 और ये 2 कटा, बट यहां से एक 2 और ऊपर आया, तो आंसर हमारा वही आएगा जो पहले आया था। अच्छा जी, अच्छा और बताता हूं आपको, देखो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो ऐसे करेंगे, जो शाणे हैं ना वो ऐसे करेंगे, बट एक और कैटेगरी होती है जिनको हम बोलते हैं डेढ़ शाणे, ठीक है ना, सुपर शाणे, ठीक है ना। तो वो बच्चा कैसे करेगा, जो जबरदस्त आईक्यू वाला बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि देखो अगर v2 v3 बराबर होते, अगर v2 v3 बराबर होते, ठीक है ना, तो ये तो बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड वाला फॉर्मूला 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं v2 और v3 को बराबर डाल दूं, अगर मैं v2 और v3 को बराबर डाल दूं, किसके, v2 के ही, मैं कह दूं v3 भी v2 ही है, मैं कह दूं कि v3 v2 ही है, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो चार ऑप्शन मिलेंगे ना आपको एग्जाम में, चार ऑप्शन मिलेंगे ना आपको, तो जो चार ऑप्शंस आपके पास रहेंगी, उन चारों ऑप्शन में v2 v3 बराबर डाल लेना, जहां पर भी आंसर 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 आ जाए वही आंसर होगा। आ रही है समझ में, जहां पर भी 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 आ जाए वही आंसर होगा। तो बेटा ये एक एलिमिनेशन मेथड है, आप बाकी तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, कुछ ऐसा स्मार्ट चीजें अपने ऑप्शन में पुट कर कर, तो आप एलिमिनेशन के जरिए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कैलकुलेशन से और बच जाएगी, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। जहां पर v2 v3 बराबर डालोगे वहां पर आंसर आना चाहिए 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। आप यहां पर भी डाल के देख सकते हो, अगर v2 v3 बराबर कर देते, अगर v2 v3 बराबर कर देते तो v1 प्लस v2 और 2 कॉमन आके ऊपर का 2 कट जाता, और यहां पर भी ऐड होके एक 2 और आ जाता, तो एक 2 कटता एक 2 आता, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 आपका आंसर आ जाता। समझ गए बच्चा, क्लियर है आपको? तो ये था हमारे पास एक बहुत ही शानदार तरीका, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटीज, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा हमने यहां पर, ठीक है ना बेटा। और आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करेंगे एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल, ठीक है, दैट मींस प्रैक्टिस इज द की, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, घर में जाकर दबा के प्रैक्टिस करो, बहुत क्वेश्चंस लगाओ, इतनी मेहनत कर डालो कि भैया खुद IIT और मेडिकल आपको कहे कि भाई बताओ कि कौन सा स्ट्रीम चाहिए, कि कौन सा आपको IIT चाहिए।
ठीक है ना, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है बेटा, दबा के मेहनत कर डालनी है, ठीक है ना। कंसेप्ट यहां पे सारे मिलेंगे, ए टू जेड कंसेप्ट यहां पे 11th क्लास के आपको यहां पर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। स्कूल के लिए भी, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सब कुछ मिलेगा, और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ मिलेगा बेटा, ठीक है ना। ए टू जेड सब कुछ पूरी मेहनत से पढ़ेंगे, बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे बेटा, ठीक है। हम भी मेहनत करेंगे बेटा, आप भी मेहनत करो, इसी तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।